वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं कंचन कुमार आप लोगों को मेरे चैनल में फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लोग नए दिशा की ओर जा रहे हैं। आज लोग नए टॉपिक के बात करेंगे। आज हम लोग बात करेंगे रोसुवास्टाटिन टैबलेट 10 mg के बारे में कि रोसुवास्टाटिन टैबलेट 10 mg आखिर है क्या। तो सबसे पहले जानेंगे रोसुवास्टाटिन टैबलेट एक एस्टेटिन नामक दवाओं का एक समूह है जिसका इस्तेमाल हम लोग कोलेस्ट्रॉल को घटाने और हृदय रोग के जोखिम को कम करने के लिए किया जाता है। आप जानते हैं कोलेस्ट्रॉल क्या है। कोलेस्ट्रॉल एक वसा है जो रक्त वाहिकाओं यानी नसों में बनता है जो ब्लड ब्लड सर्कुलेशन में संकुचन पैदा करता है जिससे हार्ट अटैक या स्ट्रोक हो सकता है। आपके कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियमित रूप से जांच होना आवश्यक है। यह दवा इलाज का केवल एक हिस्सा नहीं, इसमें स्वास्थ्य आहार, नियमित व्यायाम, धूम्रपान की समाप्ति, शराब की सेवन, वजन को कम करना भी शामिल होना चाहिए। रोसुवास्टाटिन टैबलेट के मुख्य इस्तेमाल क्या है। रोसुवास्टाटिन टैबलेट के मुख्य इस्तेमाल क्या है। सबसे पहले तो इसका इस्तेमाल है कि हार्ट अटैक और स्ट्रोक से में बचाओ। दूसरा है रोसुवास्टाटिन टैबलेट इसके लाभ क्या क्या है। रोसुवास्टाटिन 10 mg टैबलेट का इस्तेमाल हम लोग बैड कोलेस्ट्रॉल को घटाने मतलब LDL की मात्रा को कम करने और गुड कोलेस्ट्रॉल आने माने HDL की मात्रा को बढ़ाने के लिए करते हैं। कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम करने से हृदय रोगों की संभावना कम हो जाती है और आपकी लंबे समय तक स्वस्थ रहने जीवन जीने में मदद मिलती है। इसे नियमित रूप में लें और इस दवा के असर को बढ़ाने के लिए लाइफस्टाइल में उपयुक्त बदलाव करें जैसे कि स्वास्थ्य सक्रिय रहना अगर बेहतर महसूस करते हैं तो। इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं जैसे कि मांसपेशियों में दर्द, कमजोरी, सिर दर्द, पेट में दर्द, चक्कर आना, जोड़ों का दर्द, मिथली आना इत्यादि। सावधानी क्या है कि आप जब भी इस रोसुवास्टाटिन को लें तो अल्कोहल का इस्तेमाल बिल्कुल भी मत करें और गर्भावस्था के दौरान तो इस टैबलेट का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर कोई स्तनपान करा रही है तो उसका समय भी इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ड्राइविंग के समय और किडनी की समस्या है तो उसको भी इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि मैं आप लोगों के लिए और अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना के लाता रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।